गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स या रुकावट महसूस नहीं हो रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं, रिसेंटली आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कम्प्लीट हो गया, सेकेंड भी चैप्टर नंबर कम्प्लीट हो गया, अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं और आज आपका एक न्यू चैप्टर है, नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक। नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या है पहले तो ये जानते हैं। आज कोई चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहे हैं, उससे पहले हमें इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोग पेज नंबर 47 निकाल लीजिएगा इसके लिए। पेज नंबर 47। आखिरकार इस चैप्टर में है क्या? तो इस चैप्टर में हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या हम जानते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, ब्यूटीफुल कपड़े, क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं, आखिरकार उन कपड़ों में होता क्या है, किससे बनते हैं? तो ये सभी जानते हैं फाइबर्स से बनते हैं। हम इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर्स की बात करेंगे जो हमें नेचर से मिलता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार वो फाइबर्स हमें मिलते कहाँ से हैं, वो फाइबर तैयार कैसे होते हैं, उनसे धागे वगैरह कैसे तैयार होते हैं। आइए पेज नंबर 47 खोलेगा, चैप्टर नंबर 3 नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक। देर आर ए पेज नंबर 47 स्टूडेंट्स, देर आर ए 3 बेसिक नेसेसिटीज टू ह्यूमन बींग्स। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, भोजन, आवास और कपड़े। दस क्लोथिंग इज वन ऑफ द और बेसिक नीड्स, और कपड़े उनमें से एक प्रमुख है, कपड़े हमें चाहिए। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ सच एज शॉर्ट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, स्वेटर, साड़ी, शॉल। हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते। वेन वी गो टू मार्केट बाई क्लोथ, आप लोग कपड़े खरीदने बाजार भी जाते होंगे, क्या देखते हो आप लोग? अलग अलग तरीके कपड़े देखते हो, देखते रंग बिरंगे कपड़े आपको बाजार में देखने को मिलते हैं और हमारा हमें हर तरीके के कपड़े खरीदने को मन भी करता है, करता है नहीं करता आप लोगों का? ठीक है। लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक टू अवेलेबल, एक बड़ी वेरायटी, अलग अलग वेराइटी के कपड़े हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्सो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ आर अवेलेबल इन आवर होम सच एज बेड शीट, कुशन्स, टॉवल, शॉल। हमारे घर पर भी अलग अलग वेराइटी कपड़े होते हैं, हमारी बेड शीट हुआ, हमारे टॉवल, शर्ट्स, तकिए, पिलो कवर, टॉवल वगैरह, शॉल वगैरह, सर्दियों में शॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके के वेराइटी के हमें कपड़े देखने को हमारे घरों में भी मिल जाता है। डू यू नाउ व्हाट आर दीज क्लोथ मेड ऑफ, क्या आप जानते हो ये अलग अलग वेराइटी के कपड़े किससे बनते हैं? ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के कपड़े देखते हैं, आखिरकार ये बनते किससे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कपड़े किससे बनते हैं, किससे तैयार होते हैं। आइए नेक्स्ट पेज खोलिएगा। All these clothes are made of different types of fabric. सभी क्लोथ जो है ना अलग अलग प्रकार के फैब्रिक रेशों से मिलकर बनते हैं। From where these fabric come? लेकिन ये रेशे कहाँ से आते हैं, ये भी जानने वाली बात है हमारे लिए। All these clothes are made of different types of fabric. सभी क्लोथ अलग अलग फैब्रिक रेशों से बनते हैं। Fabric are made by weaving और kinetic fiber to made by fibers, जो अलग अलग धागों की बुनाई से बनते हैं। फाइबर इज ए थिन, धागे पतले होते हैं। थ्रेड लाइक स्टैंड फ्रॉम क्लोथ इज मेड अप, जो कि पतले पतले धागों से मिलकर बनते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड प्रोसेसिंग टू फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक। इस चैप्टर में हम अलग अलग फाइबर्स के बारे में, अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में, उनके प्रोसेस के बारे में, कैसे क्लोथ वगैरह तैयार किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नीचे आपको एक्टिविटी में बताया गया है कि कैसे अलग अलग कपड़े तैयार किए, जो भी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं, उनकी वेराइटी क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए, पढ़ाई चालू करिएगा, घर पर रहकर अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।